गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में चंपा देवी पार्क स्थित कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, एडीएम राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोरखपुर महोत्सव की सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि विभागवार लगने वाली प्रदर्शनी एवं अन्य प्रदर्शनी के स्टॉलों पर शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों को मॉडल आदि को प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदर्शनी में क्लेट संस्था के सहयोग से बदलते गोरखपुर एवं वन्य जीव पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन कराया जाए। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा भी किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, जी सर आप सीनियर अधिकारी हैं, पशुपालन को जब ले लीजिएगा, बाकी इसमें रहता है तो उसको 5 स्टॉल 4-5 स्टॉल के देखिए आपको अच्छा लगे। मुख्यमंत्री जी को चैटर बनवा सैनिटाइज आता है सर, और मास्क आप 9 से बोल दीजिए, 9 से चाहिए तो 2, लेकिन एक न्यूनतम स्तर पर हम कहें सर 1 पकौड़ा हमें दे, बाकी जाएगा तो बाकी। देखिए आपके 40 में सर पशुपालन के बनाए हैं बहुत सारे सर, बार बार इंसिस्ट करते हैं जो किसान का है ना आमदनी बढ़ाने में कैसे ये चीज़ काम करें। अच्छे से मैं रिहर्सल भी करूँ, बुला लेना वो राजेश गुरु, इतना भी हमने से बात नहीं करना, लेकिन स्टॉल रिप्रेजेंट करते हैं, रिपीटिशन मत करिए। कोई गुरु बता महाराजगंज में अच्छा कर रहा है, गोरखपुर में अच्छा कर रहा है, एक दिन से खत्म कह रहे थे, अपडेट तो कंफर्म नहीं किया, बड़ा मेला मंत्री से डिप्टी डायरेक्टर की बात हुई थी, आने जाने में क्या हो जाएगा, मगर सर हमको कोई बात नहीं, वो करा के एक बार अच्छे तक एक थोड़ा वो देखिए साल बैठ के, बाकी आपके ऑफिस से खास रात को है नहीं आने कला है उसको जरूर दिखाइए, लोगों पर ध्यान दीजिए, उसका क्या स्टॉप हो रही है उसका करिए, जैसे गन्ने गन्ना बीमारी लगी है तो बीमारी के बारे में बताइए, तो आप जाने हैं आप लोग जाने हैं, बहुत तरीके से किया है सबको स्थान दीजिए, निर्भरता पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जब लेकिन क्या होता है लोग आपसे पड़ता है अकेले की हर काउंटर पर 5 के काउंटर पर ताला नमक चावल पता है, लेकिन हम लोग कृषि वाले भी कर रहे हैं बरफ मेला में नहीं कर, आप उसको देख रहे हैं हम लोग बैठ के काफ़ी है दे दें, बच्चों को सर्टिफिकेट दे दें, सर्टिफिकेट का पेट दिखा दीजिए उसको भी ठीक कर सकते हैं, और बताएंगे अब तक हमारा यही कार्यालय में सब ये चलिए विजय सर, जो 12-13 तारीख को होना है और कुछ उसमें मेला और प्रदर्शनी जो हैं वो 5 दिन चलेंगी, उसी की तैयारियों को हम लोग आखिरी आयाम दे रहे हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रस्तुति हम लोग कर पाएंगे सभी के सहयोग से, और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा गोरखपुर और उसके आसपास के सारे जनपदों के जनमानस को कि वो आएँ, कोविड
19 के संक्रमण के बचाव संबंधी जितने निर्देश हैं उनका पालन करें, और उनका पालन करते हुए एक सांस्कृतिक ज्ञान की जो झांकी, एक परंपरा और संस्कृति की झांकी, एक विकास की झांकी जो गोरखपुर महोत्सव के द्वारा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसको अच्छे से उपभोग करें और इंजॉय करें। सर, पार्किंग को लेकर काफ़ी दुविधा है, पार्किंग गाड़ी से पार्किंग को कोई दुविधा नहीं होगी। आप देखेंगे, हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये जो महोत्सव आपका परिच्छेद है, इसके आसपास कई पार्किंग के स्थल रहेंगे, और मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हम लोग इसको पर्सनली देखेंगे कि कोई दिक्कत ना हो।